नमस्कार, डीजे हलचल में आपका स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले देखते हैं नगर की प्रमुख सुर्खियां। रतलाम शहर की विकास योजनाओं को लेकर शहर विधायक चेतन काश्यप ने आला अधिकारियों के साथ की बैठक। बैठक में विकास कार्यों की समीक्षा करने के साथ विकास कार्यों में गति लाने के लिए दिए आवश्यक दिशा निर्देश। निगम आयुक्त द्वारा कचरा संग्रहित करने वाले कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई करने के बाद घर घर कचरा संग्रहित करने वाले वाहन चालक व हेल्पर गए हड़ताल पर। अधिकारियों से आश्वासन मिलने के बाद ही लौटे काम पर। कोयले की मशीन में काम करते समय हुआ हादसा घटित। मशीन में सफल फंस जाने की वजह से श्रमिक हुआ गंभीर घायल। दिलीप नगर के इंडस्ट्रियल एरिया में घटित हुई घटना। फागुन माह में श्रद्धालुओं का उत्साह पहुंचा चरम पर। प्रभु प्रेमी संघ ने मेहंदीकुई बालाजी वाटिका में मनाया फागोत्सव। फाग के गीतों पर जमकर थिरके श्रद्धालु। शहर में व्याप्त समस्याओं के निराकरण करने व शहर विकास की योजनाओं को लेकर शहर विधायक चेतन काश्यप ने आला अधिकारियों के साथ चर्चा करके शहर विकास कार्यों की समीक्षा की। रतलाम शहर की यातायात व्यवस्था के साथ कानून व्यवस्था में कसावट लाने व नगर निगम द्वारा मूलभूत समस्याओं को लेकर शहर विधायक चेतन काश्यप द्वारा कलेक्टर परिसर में आला अधिकारियों के साथ बैठक लेकर व्यवस्थाओं की समीक्षा की। बैठक में शहर विधायक चेतन काश्यप के साथ कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम, पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी, SDM राजेश शुक्ला, SP हेमंत चौहान के साथ निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया मौजूद रहे। शहर विधायक चेतन काश्यप ने जहां शहर की यातायात व्यवस्था में कसावट लाने के निर्देश दिए, जिससे कि मुख्य चौराहों पर जाम की समस्या से आमजन को मुक्ति मिल सके। साथ ही शहर में बढ़ते अपराध पर भी चिंता व्यक्त करते हुए व्यवस्थाओं में कसावट लाने को कहा। शहर में जगह जगह फुटपाथ पर बैठकर व्यवसाय करने वालों के लिए भी निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया को निर्देश दिए, जिससे कि फुटपाथ अतिक्रमण मुक्त हो सके व नगर का सौंदर्यकरण होने के साथ लोगों का समुचित व्यापार भी चल सके। शहर विधायक चेतन काश्यप ने जानकारी देते हुए बताया, स्वच्छता अभियान के तहत रैंकिंग ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी बने, इसके लिए जो कार्य किए जा रहे हैं उसकी समीक्षा बैठक थी। वह भविष्य में रतलाम के अंदर ट्रैफिक व्यवस्था सुचारू रहे उसके लिए एक दीर्घकालीन पूरी व्यवस्था और जो हमारे स्ट्रीट वेंडर थे उनके लिए उचित व्यवस्था करके और उसके बाद उन्हें स्थान दे करके वह नगर के ट्रैफिक को सुचारू किया जाए, इन सारे मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की गई। और जितने भी हमारे एक्सीडेंटल पॉइंट है चौराहे ऐसे जहाँ हाई मास लगाने की आवश्यकता है वहाँ हाई मास लगाना या डिवाइडर लगाना, उनके बारे में निर्णय हुआ। घर घर कचरा संग्रहण करने वाले वाहन चालकों ने निगम आयुक्त द्वारा कार्रवाई करने के बाद हड़ताल कर दी। अधिकारियों के आश्वासन के बाद ही काम पर लौटे कर्मचारी। नगर निगम प्रशासन ने रविवार को सफाई कार्य में लापरवाही बरतने वाले 66 कर्मचारियों पर कार्रवाई करते हुए वेतन काटने के साथ कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया था, जिसके बाद कचरा संग्रहण वाहन पर लगे ड्राइवर एवं हेल्पर द्वारा कचरा संग्रहण वाहन कर्मशाला से बाहर निकालने से मना कर दिया। कर्मचारियों ने निगम आयुक्त द्वारा की गई कार्रवाई का विरोध करते हुए लामबंद हो गए और निगम आयुक्त द्वारा की गई कार्रवाई पर असंतोष व्यक्त करने के साथ कर्मचारी हड़ताल पर बैठ गए। सुबह कचरा कलेक्शन के लिए वाहन वार्डो में नहीं पहुंचने की जानकारी मिलने के बाद निगम अधिकारी हनीफ शेख, मनीष तिवारी, APC सिंह पलसोड़ा स्थित कर्मशाला पर पहुंचे और ड्राइवरों व हेल्परों से चर्चा कर समझाइश दी। अधिकारियों ने आश्वासन दिया कि निगम आयुक्त से चर्चा कर आपका वेतन नहीं काटने दिया जाएगा। घर घर कचरा संग्रहण वाहनों पर लगे ड्राइवर व हेल्परों ने अपने अधिकारियों से मिले आश्वासन के बाद 9 बजे कचरा कलेक्शन का काम शुरू कर काम पर लौटे। दरअसल स्वच्छता सर्वेक्षण में जोर शोर से जुटे नगर निगम प्रशासन ने रविवार को सफाई कार्य में लापरवाही बरतने वाले 66 कर्मचारियों पर एकमुश्त कार्रवाई की थी, जिसमें कचरा कलेक्शन वाहन के ड्राइवर हेल्पर सहित कार्य पर उपस्थित नहीं होने वाले कर्मचारी, धरपकड़ टीम और सफाई कर्मचारी शामिल थे। कोयले की मशीन में काम करते समय मशीन में सब्बल फंस जाने की वजह से एक श्रमिक घायल हो गया। कोयले की दलाली में हाथ काले होने की बात जरूर आपने सुनी होगी, लेकिन कोयले की मशीन पर काम करते समय किसी के घायल होने की बात कम ही सुनने में आती है। घटना सालाखेड़ी चौकी क्षेत्र स्थित दिलीप नगर क्षेत्र में घटित हुई। जानकारी अनुसार विजन इंजीनियर्स में कोयले के चूरे से भट्टी के कोयले तैयार करने का काम हर दिन की तरह किया जा रहा था,
कि तभी मशीन को संचालित करने वाले लोकेंद्र सिंह पिता पूनम चंद निवासी जड़वासा 45 वर्ष की सबल मशीन में फंस गई, जिसके कारण लोकेंद्र सिंह का सर मशीन से टकरा गया और सीने में भी चोट लग गई। फैक्ट्री संचालक द्वारा श्रमिक को तुरंत जिला अस्पताल लाया गया, जहां उसका उपचार चल रहा है। प्रभु प्रेमी संघ द्वारा फाग उत्सव का आयोजन किया गया, फागुन के गीतों पर श्रद्धालु जमकर झूमे। फागुन माह के आने के साथ ही देवालय रंग गुलाल से सराबोर हो गए थे, वहीं अब फागुत्सव फागुन माह समाप्त होने को है तो देवालयों में फागुत्सव चरम पर पहुंच गया है। मेहंदीकुई बालाजी परिसर स्थित वाटिका में प्रभु प्रेमी संघ द्वारा फाग के गीतों पर रंग गुलाल उड़ाते हुए महारास का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में प्रभु प्रेमी संघ के सदस्य व धर्मालुजन उपस्थित रहे। अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। माँ विंध्यवासिनी ड्रीम सिटी में अपने घर का सपना करे साकार, जमा करें मकान की कीमत का 50% और बाकी पेमेंट आसान किश्तों में, वो भी बिना ब्याज और बिना बैंक फाइनेंस के। मकान सभी साइज में उपलब्ध है, 10x40, 10x50, 15x50, 20x40, 30x50 और बंगले भी। इसी के साथ प्लॉट भी उपलब्ध है। साइट विजिट के लिए संपर्क करें मोबाइल नंबर 9179970906, 8899468989, 8871618737, 8318644057, 7000456734। ऑफिस माँ विंध्यवासिनी ड्रीम सिटी त्रिवेणी कनेरी रोड न्यू झाबुआ टू लेन पुलिस लाइन के आगे रतलाम। रतलाम के जावरा क्षेत्र में दो बच्चों की हत्या कर पत्नी को चाकू मारकर आरोपित पति फरार हो गया। रतलाम के जावरा में एक सिरफिरे व्यक्ति की करतूत ने इंसानियत को शर्मसार कर दिया। एक शख्स ने न केवल पत्नी पर चाकू से हमला किया बल्कि उसने दोनों बच्चों को भी जहर देकर मार दिया। आरोपी पति दिनेश चौहान अब फरार है, इसकी तलाश में पुलिस जुटी है। वहीं उसकी घायल पत्नी की हालत भी चिंताजनक बनी हुई है। जानकारी अनुसार परिवार इंदौर से हुसैन टेकरी आरोपी का उपचार करवाने आया था। दिनेश मानसिक रूप से परेशान था, वह खुद इलाज के लिए हुसैन टेकरी आया था। शख्स की देर रात अपनी पत्नी अनीता से कहा सुनी होने पर वह पत्नी को चाकू मार कर फरार हो गया। घायल पत्नी को पहले जावरा अस्पताल और फिर जिला अस्पताल रेफर किया गया। इस दौरान अनीता के पास ही में दोनों बच्चे सो रहे थे, वह भी नहीं उठे और दोनों के मुंह से झाग निकल रहा था। आसपास के लोगों की मदद से बच्चों को सरकारी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने 12 वर्षीय बेटी राखी और 14 साल के बेटे आदित्य को मृत घोषित कर दिया। दिनेश ने ही दोनों बच्चों को जहर दिया है। घटना की जानकारी मिलने पर आरोपी दिनेश की मां केसरबाई इंदौर से जावरा पहुंची है। उसने बताया कि बच्चों को जहर किसने दिया, इस बारे में दिनेश की पत्नी ही होश में आने के बाद बता सकती है। घटना की सूचना पर एडिशनल SP सुनील पाटीदार भी मौके पर पहुंचे, आसपास के लोगों से मामले की जानकारी ली है। वहीं औद्योगिक थाना जावरा मामले की जांच में जुटी है। शहर कांग्रेस द्वारा घर चलो घर घर चलो अभियान चलाकर वार्ड क्रमांक 5 में घर घर जनसंपर्क किया गया। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी निर्देशानुसार शहर कांग्रेस कमेटी द्वारा घर चलो घर घर चलो अभियान निरंतर सुचारू रूप से चलाया जा रहा है। इसी क्रम में ब्लॉक क्रमांक 1 में वार्ड क्रमांक 5 में सघन जनसंपर्क कर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का संदेश घर घर तक पहुंचाया। कार्यक्रम की शुरुआत में क्षेत्र के वरिष्ठ कांग्रेसी जनों का माला व शॉल पहनाकर स्वागत किया गया। उसके पश्चात विनोबा नगर झुग्गी झोपड़ी अंबिका नगर ग्लोबस कॉलोनी में जनसंपर्क किया गया। इस अवसर पर शहर कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष महेंद्र कटारिया, यास्मिन शेरानी, जेम्स चाको, हितेश पेमाल, अनिल पुरोहित, हीरा लाल परमार, विजय पंड्या लाला सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता उपस्थित रहे।
किसान है, शोषित व्यापारी है, असुरक्षित मीडिया है और निम्न एवं मध्यम वर्ग महंगाई की मार झेल रहे हैं कोरोना से। सैलाना थाना पुलिस ने ट्रैक्टर ट्रॉली चोरी करने वाले आरोपियों को पकड़ने में कामयाबी हासिल की। पुलिस अधीक्षक ने प्रेस वार्ता कर मामले का खुलासा किया। रतलाम के सैलाना में बीते दिनों ट्रैक्टर ट्रॉली चोरी के मामले में सैलाना थाना पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने नया ट्रैक्टर ट्रॉली चोरी और एक पूर्व की ट्रैक्टर चोरी की घटना को अंजाम देने के मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। 7 मार्च को मधुबन ढाबे के पास बने शेड से अज्ञात बदमाश यशवंत गुर्जर का ट्रैक्टर और ट्रॉली चुरा कर ले गए थे। पूर्व में भी ट्रैक्टर चोरी की 2 घटनाएं सैलाना थाना क्षेत्र में घटित हुई थी, जिसके बाद पुलिस को मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर संदिग्धों को पकड़कर पूछताछ करने पर मामले का खुलासा हो गया। पुलिस ने इस मामले में गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार कर उनसे चोरी गए ट्रैक्टर ट्रॉली सहित एक अन्य ट्रैक्टर भी बरामद किया है। पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी ने जानकारी देते हुए बताया, थाना पुलिस ने एक गैंग को पकड़ाया है जो लगातार विगत कुछ दिनों से, इनफैक्ट 2-3 महीने से रतलाम में ट्रैक्टर चोरी की वारदातों को अंजाम दे रही थी। इनसे वर्तमान में भी जो पूछताछ हुई है, कुल 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और 2 ट्रैक्टर और 1 ट्रैक्टर ट्रॉली उसमें हमारे कब्जे में आया है। इनसे और भी पूछताछ हो रही है और इनका जो मोडस ऑपरेंडी उसको देख के लग रहा है कि आसपास के क्षेत्र में, इनफैक्ट आसपास के जिलों में भी ट्रैक्टर चोरी से संबंधित अन्य वारदातों में भी इनका हाथ हो सकता है। उसमें सघन विश्लेषण चल रही है और शीघ्र और भी खुलासा। आज बस यहीं तक, फिर मुलाकात होगी नई हलचलों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। रतलाम शहर की विकास योजनाओं को लेकर शहर विधायक चेतन काश्यप ने आला अधिकारियों के साथ की बैठक। बैठक में विकास कार्यों की समीक्षा करने के साथ विकास कार्यों में गति लाने के लिए दिए आवश्यक दिशा निर्देश। निगम आयुक्त द्वारा कचरा संग्रहित करने वाले कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई करने के बाद घर घर कचरा संग्रहित करने वाले वाहन चालक व हेल्पर गए हड़ताल पर। अधिकारियों से आश्वासन मिलने के बाद ही लौटे काम पर। कोयले की मशीन में काम करते समय हुआ हादसा घटित। मशीन में सफल फंस जाने की वजह से श्रमिक हुआ गंभीर घायल। दिलीप नगर के इंडस्ट्रियल एरिया में घटित हुई घटना। फागुन माह में श्रद्धालुओं का उत्साह पहुंचा चरम पर। प्रभु प्रेमी संघ ने मेहंदीकुई बालाजी वाटिका में मनाया फागोत्सव। फाग के गीतों पर जमकर थिरके श्रद्धालु।